अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के दोपहर का सूरज अपनी जोबन पर है और मैं गांव से शहर जाती सड़क पर सफ़र पर हूँ। बीच में 2-3 किलोमीटर का ऐसा टुकड़ा भी है जिसको पिछले हुकूमत ने बनाना तो शुरू किया, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस सड़क के लिए भी सब कुछ रुक गया और तामीर वहीं पर रुकी जहाँ पर पहली हुकूमत गई। ये सड़क का टुकड़ा हमारी हुकूमतों के दोरुखियों बर्बरियत को आवाज़ें बुलंद बयान करती है। इस सड़क पर हम दोरुखिये और सितमगर आवाम भी चला करते हैं। मैं इस टुकड़े के बीच में था कि सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा होता है। वो पथरीली सड़क पर मोटरसाइकिल को ऐसे दौड़ा रहा था जैसे वो इसके आखिरी सख्त जांच कर रहा हो और इसके बाद कंपनी ने लाखों मोटरसाइकिलें बनानी हो। मोटरसाइकिल से अचानक पिल्ला कुत्ते का बच्चा गिरता है और मोटरसाइकिल की रफ्तार के साथ घसीटता चला जाता है। पिल्ला के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि इसके जख्मों से खून बह रहा है और वो बेहोश है। गाड़ी रुकते देखकर वो अजनबी भी पलट आया। गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल थी जिसकी आधी बर्फ अभी पिघली नहीं थी। पिल्ला पर पानी डालते हुए मैंने इस अजनबी को, जिसकी उम्र कोई 55 साल के लगभग थी, कहा कि अगर पिल्ला को मोटरसाइकिल पर ही लेकर जाना था तो किसी को अपने साथ बिठा कर लेके जाते जो उसे पकड़ लेता। इतने में पिल्ला को होश आया और कड़ा हो गया। इस अजनबी ने जवाब दिया कि मैं इसको लेकर जा रहा था, लेकिन अभी इसे जख्म लग गए हैं और ये मेरे काम का नहीं रहा। ये बात इसने, उस अजनबी शख्स ने, इस इत्मीनान से कही जैसे कि इसके मोटरसाइकिल से कोई बेजान फालतू चीज गिरी हो। हुकूमतों के दुरुखियों और बर्बरियत की दास्तान गाते जख्मी कट्टे पट्टे सड़क पर एक मासूम व बेजबान जख्मी पिल्ला पड़ा था जो इस आवाम की बर्बरियत की कहानी सुना रहा था, जिनको खुद हुकूमत को बुरा भला कहने से एक लम्हा की फुर्सत नहीं मिलती।